सूखा फसल है तो इसको वापस लगा दीजिए, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आएगा स्पेशल धान वाला, ये भी 7 पंखे में उपलब्ध है। और एक जो आएगा लिफ्ट सिस्टम, आप इस मशीन में पीछे 2 लेबर कम अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके का लिफ्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जब आपको बोरी भरना है यहाँ से बोरी भर सकते हैं, ट्राली में डालना है तो ये वाला नट बोल्ट खोल के ये चोंगा ऊपर चला जाएगा, ट्राली में माल डाल सकते हैं। और साइड में जैक दिया हुआ है, जैक को ऊपर नीचे करके आप अपने हिसाब से रास्ते में चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसा कि आपने देखा, एक रहता है सुपर मॉडल, एक रहता है सुपर प्लस हापर मॉडल, और एक रहता है लिफ्ट मॉडल। अब हम चलते हैं फैक्ट्री के निर्माण एरिया की तरफ, जहाँ पे मशीनें कैसी बनाई जाती है वर्धमान की, वो आपको देखने मिलेगी। बेहतरीन इंजीनियरिंग तो यहाँ पे बनाई जाती है। ये सारी असेंबली लाइन लगी हुई है मशीन में, जिस भी फसल की सेटिंग करनी होती है यहाँ पे हमारे इंजीनियर उस फसल की सेटिंग फैक्ट्री से ही करके आपको दे देते हैं, ताकि आप मशीन ले जाए बराबर डायरेक्ट चालू कर सको। अलग अलग फसल के लिए कंपनी द्वारा अलग अलग ग्रिल जाली एवं अलग अलग चलनी जाली आपको उपलब्ध कराई जाती है, जिसके माध्यम से अधिक सफाई आप ले सकते हो हर फसल में। इस तरीके से हमारी मशीन जो है, छोटी गाड़ी में 2 मशीन किसी भी राज्य के लिए लोड हो जाती है। किसी भी मशीन में एक्यूरेसी का ज़्यादा महत्व रहता है, जितना मशीन का पार्ट सही रहेगा उतनी मशीन अच्छी रहेगी, जिसके लिए अत्याधुनिक CNC मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की हर पार्ट का साइज एकदम अचूक कटता है, तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे गोडाउन यानी वेयर हाउस की तरफ, जहां हमारी मशीनें अधिकतर लोड होती है। इस तरीके से ट्राले में भी 10 मशीन हमारी लोड होकर अन्य राज्यों में चले जाती है। यहां हमारे गोडाउन में एक दिन में 100 से 150 मशीन लोड करने की क्षमता रहती है, तो हम सीज़न में ध्यान में रखते हुए 100 से 150 मशीन आपको एक ही दिन में प्रदान कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। किसी भी मशीन में बैलेंस सही होना चाहिए, जिसकी हमारी टेस्टिंग प्रणाली ये है, महिंद्रा 275 यानी किसी भी 35 HP के ट्रैक्टर में हमारी मशीन आसानी से चल जाती है। इसमें आप देखेंगे गिलास का पानी रखा हुआ है, गिलास का पानी हिलना नहीं चाहिए या पानी जो है गिरना नहीं चाहिए, जिससे हमारे फोरमैन जो है यहाँ पर चेक कर रहे हैं। मशीन का बैलेंस सही रहेगा उतनी आपकी मशीन अच्छी चलेगी। हमारे यहाँ ये टेस्टिंग अनिवार्य है, हर मशीन की इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है। मशीन की प्रॉपर फर्निशिंग के बाद इसकी कलर के लिए PU कोटिंग होती है, ये पेंटिंग चैम्बर में।